that God has brought you to this place for such a time as this. क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो. Praise the Lord. This is a great message from the Lord. Amen. इतना बड़ा स्थान इस अनाथ लड़की को परमेश्वर ने दिया. वो आज राजभवन में है, महल के अंदर में है. राजा का दिल उसमें खुश है. पर क्यों लेकर के आया परमेश्वर उसको वहां पर, यही बात को आज हम सोचने वाले हैं. प्रेज द लॉर्ड. और आगे आगे यहां मर्दखाई उसको याद दिलाता है कि तुम उसके अंदर खुश रहो और जो है सुरक्षित रहो. इसलिए नहीं परमेश्वर ने तुमको ये स्थान दिया है, परंतु ये राजपद तुझे इसलिए मिला है कि परमेश्वर की योजना को आगे ले जाने के लिए परमेश्वर तेरा उपयोग करना चाहता है. तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने कुछ अधिकार को दिया है. तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी बोली में परमेश्वर ने कुछ अधिकार को दिया है. तुम उसका उपयोग करो. तुम्हारे वो उपयोग करने से, अपने स्थान और अपने अधिकार का उपयोग करने के कारण, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ परमेश्वर करना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. क्या समझते हैं हम इससे? इसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने एस्थर को राजभवन के अंदर में घुसा दिया, उसी तरह से आपको और मुझे, हम लोगों को जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अनाथ थे, परमेश्वर से दूर थे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, हम पाप में और इस दुनिया के चाल चलन में खोए हुए थे. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया, हमारी आंखों को खोल दिया. यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर ने हमें साफ कर दिया. अपने धार्मिकता को, अपने नीति को परमेश्वर ने एक कपड़े के समान हमारे ऊपर डाल दिया. इस कारण जब पिता परमेश्वर आज आपको और हमें देखते हैं, तो वो हमें पापी के रूप में नहीं देखते, परंतु अपने पुत्र के रूप में, पुत्रियों के रूप में परमेश्वर हमें देखते हैं. अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दिया. And he has given us power and authority. वो राजदंड हमारे हाथों में पकड़ा दिया है. राजा के सामने हमें खड़ा कर दिया है. तुम मांगो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा. ऐसा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है. लेकिन हम में से कितने लोग अपने अधिकार को समझते हैं? हम में से कितने लोग इस तरह के एक पवित्र जीवन को व्यतीत करते हैं कि हमें ये समझ में आए कि हम राजभवन के अंदर में हैं? हो सकता है परमेश्वर में आने के बाद भी आज हमारी जिंदगी इस तरह की है कि हम दुनिया के आम लोगों की तरह हमारी जिंदगी है. वो पवित्रता हम में नहीं है. जहां पवित्रता नहीं है, वहां अधिकार कभी काम नहीं करता. हम में से कितने लोग हैं जो इस अधिकार का उपयोग करते हैं? क्या हम जानते हैं हमारे हाथों में परमेश्वर ने क्या दिया है? क्या हम जानते हैं कि उन्होंने आपको याजक बनाया है, राजा के समान आपको खड़ा किया है? जिस तरह से एस्थर रानी राजा के सामने जाती है, इस पुस्तक को पूरी तरह से आप पढ़ें इन दिनों में, क्या आपको पता है कि यही वो पुस्तक है जिसमें हिंदुस्तान के बारे में कहा गया है? There is a mention of our nation India in this book. This is a homework for you. और मैं जल्दी आपको इसकी कहानी बताऊं कि मोर्देखाई ने जब इस तरह से ललकारा, ऐसा चैलेंज दिया एस्थर को कि तुमको आराम करने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, इस राज पद में परमेश्वर ने तुमको इसलिए खड़ा किया है, राजभवन के अंदर तुमको इसलिए लेकर के आया है कि तुम्हें कुछ करना है, अभी तुम्हारा समय है, इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए परमेश्वर ने तुम्हें इस स्थान पर खड़ा किया है. प्रेज द लॉर्ड. और इस बात को सुनते हुए, आमेन, आज पवित्र आत्मा कुछ इसी तरह की बातें हम लोगों से और भारत की कलीसिया से हमसे बातचीत करती है. दिस इज योर टाइम. Amen. This is your time to arise and shine and use your authority for the purposes of God. परमेश्वर की इच्छा हमारे इस प्रांत में और हमारे देश में आए, इसके लिए और कौन खड़ा होगा? और हमें पता है कि इन बातों को सुनकर एस्थर जैसे मानो जाग गई, प्रार्थना में लग गई, उपवास में लग गई,
और परमेश्वर ने उसको वो ज्ञान दिया कि किस तरह राजा के सामने जाना है, और बहुत अच्छे रीति से जो है उसने अपने दिल की बात को राजा के सामने प्रकट की ताकि वो प्रसन्न हो जाए। ऐसे नहीं कि कैसे भी चले गए, कुछ भी कह दिया, कुछ भी मांग लिया, कैसे भी मांग लिया, नहीं। ये परमेश्वर का एक रास्ता है। जब हम पवित्र जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, तब जा करके वो अधिकार से आप परमेश्वर के सामने जा करके यू कैन आस्क गॉड। और वो किस तरह से जो है राजा के सामने जाती है, अपने दिल की बातों को प्रकट करती है, हामान की योजनाओं का खुलासा करती है, और राजा का दिल बिल्कुल जो चीज ये मांगती है उससे जो है उसे प्रदान करने के लिए उनका दिल बिल्कुल खुल जाता है। वो ऐसा जब वो एस्तर से खुश हो जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम मांगो, वो देने के लिए मैं तैयार हूं। और वो बिल्कुल करेक्ट टाइम जब आया तो दिल खोल के अपने स्थान को समझते हुए उसने कुछ बातों को मांगा और राजा ने उसको प्रदान कर दिया। और हमें पता है कि एस्थर का ये हौसला, जिस तरह से उसने हियाव बांधा और जिस तरह से उसने अपने आप को तैयार करके राजा के सामने जाकर के कुछ बातों को मांगा, इससे हामान की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और जिस स्थान पर मोर्देकाई को लटकाने और फंसाने के लिए हामान ने योजना बनाई थी, बिल्कुल पासा पलट गया और उस स्थान पर मोर्देकाई को फांसी पर चढ़ाया गया। और यहूदी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आनंद का समय आज आ गया। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट। ये केवल एक कहानी नहीं, परंतु ये सचमुच जो है इतिहास की एक घटना है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह से पिता परमेश्वर अपनी योजना को इस पृथ्वी पर लेकर के आते हैं, किस तरह से वो शैतान की योजना को जो है बिल्कुल निष्फल कर देते हैं। एंड प्रेज द लॉर्ड, दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर अस। जिस तरह से 110वें भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, साम्स 110, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। हर समय परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए यही है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम दबे रहो, तुम डरे रहो, तुम गुलाम बनकर रहो, परंतु राज्य करने के लिए याजक और राजाओं के अधिकार के साथ परमेश्वर अपने लोगों का अभिषेक करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।